ए एन एक सीक्वेंस हमें दिया गया है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, दैट मींस ए एन एक रियल सीक्वेंस है एंड ए एन को इस तरह से डिफाइंड किया गया है, ए एन इक्वल्स टू वन होगा जब एन एक प्राइम नंबर एंड ए एन इक्वल्स टू माइनस वन व्हेन एन इज नॉट प्राइम। ओके, दैट मींस जब एन कॉम्पोजिट होगा तब ए एन होगा माइनस वन, मतलब ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए एट ए नाइन ठीक है अप टू ए ट्वेल्व ए फिफ्टीन, इन सभी का वैल्यू क्या होगा माइनस वन, एंड ए टू टू क्या है प्राइम है, ए थ्री थ्री प्राइम है, ए फाइव ये प्राइम है, ए सेवन प्राइम है, या जितने भी प्राइम है उन सभी का वैल्यू होगा वन। ओके अच्छा, तो बोला गया है क्या ए एन, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ए एन इज कन्वर्जेंट बट बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा बी एन क्या है, बी एन इक्वल टू दिया गया है ए एन बाई एन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या ए एन जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा एंड बी एन जो सिक्वेंस क्या ये कन्वर्जेंट होगा। तो देखते हैं पहले ए एन को, देखो ये जो ए एन जो सिक्वेंस है ना इसका रेंज सेट क्या होगा, एक वन एंड दूसरा होगा माइनस वन। तो ये जो सीक्वेंस है पहले इस सेट को हम लिख लेते हैं, पहले क्या होगा ए वन ए टू ए थ्री अप टू इनफाइनाइट तक। तो ए वन, वन क्या है प्राइम नहीं है, वन तो प्राइम नहीं है ठीक है ना, तो ए वन क्या होगा माइनस वन हो जाएगा। ए टू, टू प्राइम है तो इसलिए ए टू होगा वन। ए थ्री, थ्री प्राइम है तो इसलिए होगा वन, ए थ्री होगा वन। फोर, ए फोर, फोर प्राइम नहीं है तो इसलिए ये होगा ए फोर होगा माइनस वन। तो यहाँ पे हमें ए वन सीक्वेंस का जितने भी टर्म्स मिल रहा है ए वन ए टू ए थ्री इसका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन, तो ये सभी ऑसिलेट कर रहा है ठीक है, माइनस वन एंड वन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए एन ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है ए एन इज कन्वर्जेंट, ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर टू में बोला गया है बोथ ए एन आर ए एन एंड बी एन आर नॉट कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट एंड फोर में बोला गया है बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, ए एन तो कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा अब बी एन को देखते हैं, बी एन देखो बी एन इक्वल्स टू दिया गया है ए एन बाई एन, ए एन बाई एन। अच्छा अब ए एन वन होगा कब, जब एन इज प्राइम एंड तो ये होगा ए एन बाई एन बी एन। अच्छा अब ए एन इक्वल्स टू माइनस वन है जब एन नॉट प्राइम, नॉट प्राइम तो बी एन इक्वल्स टू माइनस वन बाई एन। अच्छा अब देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन इक्वल्स टू क्या होगा, जब एन प्राइम होगा तब क्या होगा वन बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स जीरो, एंड जब एन नॉट प्राइम होगा तब क्या होगा माइनस वन बाई इन्फिनिटी मीन्स जीरो। अब तो एन प्राइम के लिए हमें लिमिट पॉइंट क्या मिल रहा है जीरो, एन एन जब नॉट प्राइम होगा तब भी लिमिट पॉइंट जीरो, मतलब ये जो लिमिट पॉइंट है वो सेम है, दैट मीन्स बी एन सीक्वेंस का हमें यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब बी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। तो बी एन इज कन्वर्जेंट, तो बी एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर टू में बोला गया था बी एन नॉट कन्वर्जेंट, टू इनकरेक्ट, थ्री में बोला गया है ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट बी एन इज कन्वर्जेंट, हाँ ये ट्रू है, ए एन जो है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है एंड बी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है।